इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, अभी अभी आईएमए घोटाले को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। स्विमिंग पूल में छिपा कर रखा था 300 किलो नकली सोना। जी हाँ दोस्तों, करोड़ों रुपए के आईएमए ग्रुप पूंजी घोटाले की जांच कर रहे विशेष दल एसआईटी ने बुधवार को 303 किलोग्राम वजन वाली नकली सोने की 5,880 छड़ बरामद की है और इस नकली सोने को ग्रुप के मालिक मोहम्मद मंसूर खान ने यहाँ एक बिल्डिंग के छठे फ्लोर पर ने स्विमिंग पूल में पानी के अंदर छिपा रखा था। एसआईटी के मुताबिक मंसूर इसी नकली सोने को दिखाकर लोगों को अपनी कंपनी में निवेश करने के लिए आकर्षित करता था। अपनी पोंजी स्कीम का भंडाफोड़ होने के बाद दुबई फरार होते समय मंसूर ने इस नकली सोने को बाद में किसी अन्य ठगी में इस्तेमाल करने के लिए स्विमिंग पूल में छिपा दिया था। मंसूर को पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने दुबई से लौटते समय दिल्ली एयरपोर्ट पर दबोच लिया था। ईडी ने उन रिपोर्ट के आधार पर आईएमए ग्रुप और मंसूर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जिनमें मंसूर के अंडरग्राउंड होने और करीब 40,000 निवेशकों के अरबों रुपए डूब जाने की बात कही गई थी। ईडी इस मामले में अभी तक 20 अचल संपत्तियों समेत करीब 209 करोड़ रुपए की संपत्तियां और बैंक खाते अटैच कर चुकी है। एसआईटी भी इस मामले की जांच में अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार होने वाले में आईएमए के 12 निदेशक, एक पार्षद का पति के साथ बंगलुरु शहरी जिले का एक पूर्व डिप्टी कमिश्नर और उत्तरी सब डिवीजन का असिस्टेंट कमिश्नर भी शामिल है। हाल ही में एसआईटी ने इस मामले में कांग्रेस विधायक बिजेड जमीर अहमद खान से भी पूछताछ की थी। साथ ही कांग्रेस विधायक आर रोशन बेग को पेश होने का समन भी जारी किया था, लेकिन बेग ने आने के लिए और समय दिए जाने की मांग की है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।